आज आपके सामने हम लेकर आए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम। क्लास 11 में सबसे अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जिस प्रकार से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उस क्वेश्चन को हमने स्टार्टिंग में जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे, उसकी तमाम ट्रांजैक्शन को देखिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर एक नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को बोर्ड पर किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले किताब की ओर। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज, यहाँ पर 120,000 है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, रेंट रिसीव्ड 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 5,000 एट द रेट रुपीज 7,000। इसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर 500 रुपीज, इसको हम सॉल्व करेंगे ऑन द बोर्ड। जैसे कि आपने किताब में पढ़ा, किताब में जिस प्रकार से प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसके ट्रांजैक्शन को हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले नंबर पे आप इस कॉलम को बनाएंगे। कॉलम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखेंगे, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज और कैपिटल के बाद हम इन तमाम चीज़ों पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि एसेट्स में कितने भाग हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के कितने भाग हैं, कौन सी अमाउंट किससे अटैच है। इसके लिए हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही समझ लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के पहले नॉमिनेशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल का। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब बिजनेस स्टार्ट होता है नगद पूंजी लगा करके, तो सबसे पहले कैश और कैपिटल ही नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कैपिटल और कैश को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश में कैश तो हमारा है ही यहाँ पर लिखा हुआ, गुड्स का मतलब स्टॉक से होता है और वह स्टॉक भी हमने लिख दिया। इसके बाद रेंट रिसीव, रेंट हमारी इनकम होती है और इनकम का संबंध कैश से और कैपिटल से है, जो कि यहाँ से अटैच है, उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक प्रकार की लायबिलिटी होता है, उसको हम लायबिलिटी में नॉमिनेट कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर भी हमारा स्टॉक से संबंध है और कैश से संबंध है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई एसेट्स की ओर और लाइबिलिटीज कैपिटल में अलग से कोई हेडिंग नहीं डालना होगा। इसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है यानी स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, वो भी फायर से नुकसान हुआ है, तो संबंध इसका कहाँ से होगा, एक तो स्टॉक से होगा और एक कैपिटल से होगा। कैपिटल में जब भी कभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसी से रिलेटेड ही आइटम्स ऐड या लेस होंगे। प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो घटाएंगे। आइए अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जब हम कैश बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कैश में 1,20,000 रुपये ऐड हो जाएगा और स्टॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक जीरो ही रहेगा। इसके बाद थोड़ा जीरो को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद इसका संबंध कैपिटल से है, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है नगद तो इस आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका संबंध कैपिटल से है। इस प्रकार से ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी कैपिटल में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अब पहले ट्रांजैक्शन ओके हुई। परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो भी कैश कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टॉक तो आएगा, 10,000 रुपीज का स्टॉक आएगा, लेकिन ठीक उसी जगह पर हमारे पास से 10,000 रुपये यानी 10,000 चले भी जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। यहाँ ना तो आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब है, यानी लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं, ना ही कैपिटल से कोई मतलब है, ये वन साइड अफेक्टेड हुआ है। 120,000 में से 10,000 निकाल देंगे तो यहाँ पर 1,10,000 बचेगा, और यहाँ पर 10,000 का स्टॉक हमारे पास अब आ चुका है, आउटस्टैंडिंग अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है, जबकि कैपिटल 120,000 है। न्यू ट्रांजैक्शन रेंट रिसीव्ड रुपीज 5,000, हमने रेंट रिसीव्ड किया है तो हमारे पास इनकम आई है,
इनकम जनरेट हुई है, 5000 हमारे कैश में बढ़ जाएगा, बढ़ोतरी होगी। स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, रेंट रिसीव्ड हुआ है तो हमें फ़ायदा हुआ। एक बिजनेसमैन को जब फायदा होता है तो वह कैश में और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर न्यू क्वेश्चन के मुताबिक 1,15,000 टोटल कैश हो चुका है और स्टॉक 10,000 रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ है और इधर कैपिटल टोटल 125,000 हो चुका है। इधर 125,000 और इधर भी 125,000 है। अगली ट्रांजैक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का कैश से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग से लेना देना है। ये आउटस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा, साथ ही ये आउटस्टैंडिंग की वजह से लॉस है यानी नुकसान है, इसलिए कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, यहाँ से घटेगा और यहाँ ये ऐड होगा। तो जो हमारा लायबिलिटी है, अब हमारे पास जो लायबिलिटी है वो 2000 का हो चुका है और कैपिटल भी 123,000 का हो गया, क्योंकि 2000 रुपये कम हो गए। इसके बाद इधर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कैश है, कैश का जो बैलेंस है वो 115,000 प्लस 10,000 का ये हमारा स्टॉक रहेगा। न्यू इक्वेशन के मुताबिक आप देखेंगे 125,000 इधर भी है, 125,000 इधर भी है, दोनों तरफ इक्वल चलते रहना चाहिए। इसको हर स्टेप में बराबर करते हुए चेक करते हुए चलेंगे। यहाँ पर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट ₹5,000 47,000, यानी 5,000 रुपये का माल जो है गुड्स, उसको 7,000 7,000 में बेचा गया। हमारे पास से 5,000 का माल गया, तो यहाँ पर 5,000 रुपये स्टॉक में से कम कर देंगे, क्योंकि स्टॉक को ही माल बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर 7,000 प्लस हो जाएगा, यानी 7,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे, 7,000 यहाँ पर जोड़ देंगे। क्यों? इस प्रकार से इस ट्रांजैक्शन में 2,000 का फ़ायदा हुआ है और उस 2,000 रुपये को यानी 2,000 को कैपिटल में जोड़ देंगे, 1,000 रुपये जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो टोटल है कैश का टोटल 122,000 हो चुका है और स्टॉक अब हमारे पास सिर्फ 5,000 का बचा है और इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी का पार्ट है वो 2,000 का 2,000 का और यहाँ पर 125,000 फिर हमारे पास कैपिटल हो चुका है। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी आग के द्वारा माल नष्ट हो गया है। अगर आग के द्वारा माल नष्ट हुआ तो कैश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टॉक से मतलब है, क्योंकि स्टॉक ही तो माल है, वही तो गुड्स है, वही नष्ट हुआ है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग से यानी लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, इसका मतलब कैपिटल से ज़रूर है। अब हमारी जो कैपिटल है यहाँ पर टोटल 124,500 है और लायबिलिटी 2,000 और इधर हमारे पास जो स्टॉक है वो 4,500 और कैश 122,000 का बचा है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया है और बुक से जब आंसर मैच करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर सेम टू सेम यही क्वेश्चन का जो आंसर है, ये सेम टू सेम कैश 122,000, स्टॉक 4,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 एंड कैपिटल 124,500 है। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000, पेड रेंट इन एडवांस ₹500, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, कॉस्टिंग ₹20,000, पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर है ₹100 का, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹5,000,
क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर पूरी तरह से आपने पढ़ लिया है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर की इंफॉर्मेशन है 10 की, उसके हमने यहां पर लिख दिया है। कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब तमाम वो 6 के 6 ट्रांजैक्शन यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं और उनके द्वारा हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में किस प्रकार से नॉमिनेट करेंगे। आइए पहले हम नॉमिनेट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो इसका मतलब है कैश जरूर बढ़ेगा। इसका मतलब है हमारा सबसे पहला जो हेडिंग है वो कैश होगा और इधर कैपिटल होगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो कैश और कैपिटल से हमारा मतलब है। दूसरा है पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस अगर रेंट पे करेंगे तो प्रीपेड रेंट बढ़ेगा, यानी ये एसेट्स का हिस्सा है और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट। लाइबिलिटी में कुछ नहीं। अभी परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश हमने खरीदा लेकिन क्रेडिट भी खरीदा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर गुड्स परचेज होगा तो एसेट्स में स्टॉक का संबंध गुड्स से है और क्रेडिटर्स, यहाँ पर जब उधार खरीदा जाएगा तो जाहिर सी बात है क्रेडिटर्स जरूर बढ़ेंगे। इसके बाद है गुड्स सोल्ड करेंगे, नगद करेंगे, इसलिए डेटर नहीं बढ़ेगा। यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बढ़ेगा। इसके लिए हमें जब नॉमिनेट करेंगे तो वहाँ पर लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जरूर लिखना होगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही सवाल को पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज प्लस कैपिटल होगा, ये नॉमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं फिर बहुत काटपीट होती है। इसके बाद मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे, इसका खैर फिलहाल कोई यूज नहीं है तो हमारे पास अब इसका हमने एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का नॉमिनेशन कर लिया है। अब हम इनके अमाउंट के हिसाब से इसका इक्वेशन सेट कर लेंगे। बिजनेस स्टार्ट हुआ 60,000 का तो हमारा कैश प्रभावित होगा, कैश प्लस हो जाएगा, लेकिन प्रीपेड रेंट से कोई मतलब नहीं, स्टॉक से कोई मतलब नहीं। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आउटस्टैंडिंग से क्रेडिटर्स कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे कैपिटल से मतलब है, बिजनेस स्टार्ट ही कैपिटल से होता है। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस रेंट पे किया है 500, तो हमारे पास से 500 रुपीज गए हैं, लेकिन उसी जगह पर प्रीपेड रेंट में ये 500 रुपये जुड़ जाएंगे क्योंकि एसेट्स है प्रीपेड। और स्टॉक से कोई मतलब नहीं है और ना ही हमारा क्रेडिटर से और ना ही आउटस्टैंडिंग से, ना ही कैपिटल से कोई मतलब है। अब हम इसका 60,000 में से 500 घटाएंगे तो 59,500 आएगा और यहाँ पर प्लस 500 ही रहेगा। और यहाँ भी स्टॉक फिलहाल जीरो चल रहा है और क्रेडिटर्स भी जीरो हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जीरो है, लेकिन हमारी कैपिटल 60,000 है। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, नगद खरीदेंगे, हमारे भी नगद परचेज होगा तो पैसा जाएगा, कैश में से माइनस होगा, तो यहाँ पर हम 30,000 जो नगद कैश वाला है वो हमारे कैश में से जरूर माइनस होगा 30,000 रुपीज। और क्योंकि हमने स्टॉक दोनों मिला के नगद और उधार 50,000 का खरीदा है, प्रीपेड से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ मतलब है हमारे पास जो स्टॉक है वो 50,000 का बढ़ जाएगा, लेकिन उधार खरीदने की वजह से हमारे पास 20,000 का जो उधार खरीदा है उसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 20,000 के, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है और ना ही कैपिटल से है, क्योंकि कैपिटल में भी प्रॉफिट लॉस जुड़ता है और घटता है। 59,500 में से 30,000 घटाने पर 29,500 आएगा और यहाँ पर 500 एंड यहाँ पर 50,000 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 20,000 प्लस अभी आउटस्टैंडिंग जीरो है लेकिन हमारी कैपिटल 60,000 की है। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 कॉस्टिंग 20,000, हमने 20,000 की कॉस्टिंग का जो गुड्स है उसको हमने 30,000 का बेच दिया, इसका मतलब है 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हमारे पास जो नगद पैसे आए हैं वो 30,000 यानी 30,000 रुपये आए हैं। इसमें हमने 30,000 प्राप्त किया लेकिन 20,000 का हमने स्टॉक दिया यानी माल दिया, गुड्स दिया, तो 20,000 हमारे गुड्स में से लेस हो जाएंगे और इस ट्रांजैक्शन में 10,000 का फ़ायदा हुआ है।
फायदे का संबंध यानी प्रॉफिट का संबंध कैपिटल से होता है, तो कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएगा। इसके बाद न्यू इक्वेशन जनरेट हो जाएगी 9,500, यहाँ पर 59,500, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 30,000 यानी घट जाएगा क्योंकि 20,000 का गुड्स चला गया है, और यहाँ पर 20,000 प्लस अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आया है, लेकिन हमारा कैपिटल 70,000 का हो जाएगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हम पेड सैलरी 500 करेंगे, लेकिन 100 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, लेकिन हमारे पास से 500 रुपये जाएंगे तो हम कैश में से 500 घटा देंगे। प्रीपेड से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग से तो है 100 रुपये का लेना देना। अब ध्यान से देखेंगे तो 500 रुपये की सैलरी और 100 रुपये की 600 रुपये का टोटल हमारा नुकसान हो गया है, तो हम 600 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 59,000 आएगा प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 100 प्लस 69,400, ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया है। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल ली है तो पैसा दिया है और मोटरसाइकिल लिया है, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है इसलिए वह एसेट्स तो होते हुए भी एसेट्स नहीं है। मोटरसाइकिल आई, अगर बिजनेस में आती तो हम यहाँ पर मोटरसाइकिल लिखते हैं एसेट्स में, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस में नहीं आई है, पर्सनल गई है, तो पर्सनल वाली चीज़ों का संबंध कैश और इधर ड्राइंग यानी कि कैपिटल से होता है। यहाँ पर 5,000 का लेस हो जाएगा, कैश जाएगा, मोटरसाइकिल आएगी, लेकिन प्रीपेड से कोई मतलब नहीं, स्टॉक से कोई मतलब नहीं, कैपिटल से मतलब है क्योंकि कैपिटल एक ड्राइंग है, ये तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है, इस प्रकार से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो न्यू इक्वेशन जनरेट होके आया है 54,000, यहाँ पर हमारा 500 का प्रीपेड एक्सपेंसेस और यहाँ पर 30,000 का स्टॉक एंड यहाँ पर 20,000 का क्रेडिटर्स बचेगा और 100 रुपीज का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 64,400 का कैपिटल। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन आने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर अगर मिलाएंगे तो यहाँ देखेंगे कैश 54,000, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000 और लाइबिलिटीज में ग्रेटर 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 100 का और कैपिटल 64,400 का है। क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रिपेयर बैलेंस शीट भी बोलता है, यानी क्वेश्चन में हमें इसी एसेट्स और लाइबिलिटीज से बैलेंस शीट को भी बनाना होगा। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वह भी आप देखिए। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम खींचना होगा बैलेंस शीट के लिए, इस तरह से आप लायबिलिटीज और एसेट्स का कॉलम खींच लेंगे और यहाँ पर एसेट्स की तरफ कैश, सबसे पहले कैश लिखेंगे, जो कैश का अमाउंट 54,000 है उसको यहाँ लिख देंगे और प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है जो कि 500 का है उसको लिखेंगे और स्टॉक लिखेंगे, 30,000 का स्टॉक है जो कि आपके आंसर के मुताबिक है ये, और लाइबिलिटीज की तरफ जो हमारे क्रेडिटर्स आए हुए हैं आंसर में 20,000 के उनको यहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 का लिखेंगे, कैपिटल 64,400 का लिखेंगे। इसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो देखेंगे दोनों तरफ का टोटल 84,500 एसेट्स का भी टोटल है और लाइबिलिटीज़ का भी 84,500
500 आ चुका है। इस प्रकार से बैलेंस शीट ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब ये क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट दोनों कंप्लीट हो चुका है।